नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो बढ़ती तनाव थी, जो बढ़ती दूरियां थी, वो खत्म हो चुकी है और क्या आजम खान अब मान चुके हैं? इस तरह के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं और यहां पर ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि आजम खान से मिलने खुद अखिलेश यादव दिल्ली के अस्पताल में पहुंचे थे और उसके बाद जिस तरह से रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, अब आजम खान की एक और जो शर्त है वो अखिलेश यादव मानते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले कहा जा रहा था कि आजम खान ने पार्टी के साथ रहने के लिए दो शर्तें रखी थी, जिसमें से एक कपिल सिब्बल को राज्यसभा चुनाव के लिए आगे करने की थी, जो बखूबी यहाँ पर अखिलेश यादव ने मान भी ली, और दूसरी यही थी कि यहाँ पर रामपुर से अगर किसी को खड़ा किया जाए तो वो उनकी पत्नी हो। और अब इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि रामपुर से जो है अब आजम खान की पत्नी को प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर हामी भर दी है क्योंकि यहां पर देखने को यही मिल रहा है कि तैयारी पूरी तरह से चल रही है। आपको बता दें कि ताजीन फातिमा जो है, जो आजम खान की पत्नी है, वो रामपुर के इलाके से उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहां पर उनके नाम पर पर्ची भी खरीद ली गई है नामांकन की। अब बस देरी है सपा पार्टी की तरफ से घोषणा की। जी हाँ, यहाँ पर दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आजमगढ़ और रामपुर को लेकर। ये दोनों सीटें आपको बता दें अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर भी लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ आजमगढ़ के सीट को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है कि क्या डिम्पल यादव इस सीट पर आएगी या फिर एक और प्रत्याशी का नाम जो है सुशील आनंद उनका सामने आ रहा है। देखना यह है कि अब आजमगढ़ के सीट पर जो है सपा पार्टी अखिलेश यादव किसे खड़ा करती है और साथ ही क्या रामपुर के सीट पर जो है आजम खान की बात मानकर क्या उनकी धर्म पत्नी को यहां से खड़ा किया जाएगा प्रत्याशी के रूप में और क्या ये पहल होगी यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान को मनाने की और क्या इसकी वजह से आजम खान और अखिलेश यादव की दूरियां मिट जाएंगी, क्योंकि देखने को यही मिल रहा है कि आजम खान को मनाने के लिए दिल्ली तक पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव और जिस तरह से अब मुलाकातें हो रही है अखिलेश यादव और आजम खान के बीच, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नामांकन की घोषणा होती है तो ये तस्वीरें और भी साफ हो जाएंगी कि अखिलेश यादव से नाराजगी मिट चुकी है आजम खान की या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।